तीन चार पाँच छः जून का समय फाइनेंस के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। 24-25 मई का समय जॉब और बिजनेस के लिए उत्तम रहेगा। 9 और 10 जून का समय स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। 7, 8, 9 जून का समय लव रिलेशन इत्यादि के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ 17, 18 मई और 13, 14 जून का समय नए रिश्ते आना, बच्चों के विवाह के लिए नए रिश्ते आना और इसके साथ साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का लाभ प्राप्त होना ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 15, 16 मई और 11, 12 जून का समय अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए, इसके साथ साथ लोन इत्यादि से बचने के लिए। 19-20 मई का समय, ये समय आपके जीवन में ऑब्स्टेकल आएंगे, इस समय में ऑब्स्टेकल से बचकर निकलना, मेंटल स्ट्रेस होना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। 29-30 मई का समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है, ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रोसाइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए 15 मई से 14 जून 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। देखिए, ये जो समय रहने वाला है 15 मई से 14 जून तक का समय तुला लग्न वालों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। तुला लग्न वाले देखेंगे कि 2 मई से 29 मई तक का समय, अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, इस समय में ट्रैवल करना लाभदायी रहेगा। अगर ये फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को इस समय में करना काफ़ी लाभदायी रहने वाला है। अगर वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस समय अंतराल के अंदर वीज़ा पीआर को अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद का जो समय रहेगा 30 मई से 6 जुलाई 2023 तक का समय, जिसमें से थोड़ा सा समय आपको केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा, 30 जून 2023 तक का समय, ये समय कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा बैलेंस बना कर, देखिए लिब्रा है, तुला है, साइड ही उसका तुला है तो बैलेंस एकदम बना लेता, परंतु फिर भी मैं इस समय में आपको बैलेंस बना करके चलने के लिए बोलूँगा। इस समय में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ा सा बैलेंस बना करके चले, उनकी भी बात सुन लिया करें तो लाभदायी रहेगा। इस समय में आप देखेंगे आपको आपके कार्य क्षेत्र पर किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से लाभ मिलना, व्यापार में तरक्की होना, जॉब इत्यादि के अंदर प्रमोशन होना या कुछ नई चीज़ आपको प्राप्त हो जाए आपके बिजनेस से रिलेटेड, ऐसा यहाँ पर लाभ दिखाई देता है। इस समय में नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती करना अपने वर्क जॉब में, अगर आपको कोई बिजनेस है और वहाँ पर आप नए एम्प्लॉयज़ हायर करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर, आगे मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करूँगा, उसके हिसाब से आप नए एम्प्लॉयज़ को हायर करके अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, देखिए आपका जो कुछ धन किसी न किसी प्रकार से, अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य है या कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य, इसमें आपका कुछ धन सरकार के लिए खर्च होना हो उसके ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको आपके पार्टनर के माध्यम से, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में अच्छा धन नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था पिछले समय में, उन्हें विवाह के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा जीवन साथी का चुनाव कर पाना इस समय में आसान होगा। स्टूडेंट्स एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे, परंतु थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, स्ट्रगल करने से चीज़ें प्राप्त होंगी, परंतु जो चीज़ें प्राप्त होगी उस चीज़ को प्राप्त करके वे काफ़ी समय तक आनंदित और लाभान्वित रहेंगे। आगे अपडेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ और फिर देखते हैं क्या बताते हैं प्लेनेट आपके बारे में। 15-16 मई का समय, देखिए ये समय थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय में अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए, आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है और इस समय में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है तो इस समय में अपने लॉयर या एडवोकेट से इस समय में मीटिंग करना, उनसे बातचीत करना, उनसे मिल लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में आपको आपके लीगल मैटर में कुछ नया पॉइंट मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए जिसके माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, देखिए लोन अगर लेना चाहते हैं, हाँ ले सकते हैं, इस समय में लोन लेना चाहते तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। ये समय आपको आपके मैटरनल अंकल और आंटी से भी जोड़ेगा, हो सकता है आप उनसे, आपकी उनसे मुलाकात हो, आप उनसे कुछ अच्छे एडवाइस या धन लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 17-18 मई का समय, देखिए ये समय है 17-18 मई का समय
जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था पिछले समय में, उन्हें समय में अच्छे रिश्ते आना यहाँ पर देखा जा सकते हैं, अच्छे रिश्तों का आना। इसके साथ साथ इस समय में जो विवाह के लिए रिश्ता आएगा उनमें से रिश्ता सेलेक्ट करके जीवन साथी की तलाश पूर्ण होना यहाँ पर देखा जा सकता है। और जो पहले से मैरिड है इस समय में अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख उन्हें प्राप्त हो ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ ये समय अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आपके हैं, उसमें कोई नया बिजनेस पार्टनर ऐड करना चाहते हैं, तो उससे बात करना, मीटिंग करने इत्यादि के लिए उत्तम रहेगा। इससे प्रयोग करके से लाभ होगा। इसके बाद 19-20 मई का समय, देखिए 19-20 मई का समय आप देखेंगे आपके प्रत्येक प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आना। सुबह ऑफिस के लिए निकल करके चले या फैक्ट्री गोदाम जहाँ पर भी आपका वर्क प्लेस है उसके लिए निकल करके चले, सुबह से ही आप देखेंगे प्रत्येक कार्य के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। इस दिन आपको ये समय जो रहेगा ये समय विशेष तौर से आपको डीमोटिवेट करने के लिए रहेगा। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस या रामायण इत्यादि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पाठ करने से आप अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे और आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो इस समय में उसे आप पूर्ण करा पाएंगे। हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति से कार्य पेंडिंग है, रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उस समय में गवर्नमेंट के माध्यम से या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 21-22-23 मई का समय, तो ये जो समय रहेगा ये समय आपको विशेष तौर से आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं या एक लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाएं, घूमने के लिए जाना आपको हो, और एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, जाने के लिए समय उत्तम रहेगा ताकि आपके आगे के सारे कार्य निर्विघ्न पूरे होते रहे। इसके साथ साथ इस डेट में अगर आप वीजा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय में अप्लाई करना अधिक लाभदायी रहेगा। इसके बाद 24-25 मई का समय, तो 24-25 मई का जो समय रहेगा ये समय जो जॉबलेस है इस समय में उन्हें जॉब प्राप्ति की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा शांति प्रिय बना करके रहना चाहिए, शांति बना करके रखें, क्योंकि मंगल डिबिलिटेटेड है, शुक्र के साथ आएगा। किसी भी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से अनुचित शब्दों का प्रयोग न करें, प्यार से बात करेंगे आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। ज़्यादा एनर्जेटिक ना हो इस समय में ज़्यादा एनर्जेटिक होने से बचें, किसी से भी गलत व्यवहार करने से बचें, और इस समय में आपको जॉब प्राप्ति की संभावना काफ़ी प्रबल रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय में कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय को हायर करना इस समय में काफ़ी लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। एम्प्लॉय को हायर करें, हायरिंग के समय थोड़ा शांति बनाकर रखें, किसी प्रकार का कोई क्रोध ना दिखाएं, स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा एनर्जेटिक ना हो, बातों को समझें कि जो भी एम्प्लॉय आपके पास रिज्यूम लेकर के आया है वो क्या एक्सपीरियंस रखता है, वो किस प्रकार से आपको आपके कार्य में, आपके वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है, उसकी बातों को समझें, नोट डाउन करें डायरी पर, ताकि आपको पता चले कि ये जो व्यक्ति है जिसे मैं हायर कर रहा हूँ ये किस प्रकार से मेरे बिजनेस में मुझे ग्रोथ दिला सकता है। कुल मिलाकर के इस समय में बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन होना, नए एम्प्लॉयज़ का आना और कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 26-27-28 मई का समय, देखिए ये जो समय रहेगा ये समय इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन का आवागमन होना, धन का संचय हो पाना, सेविंग हो पाना किसी भी पॉलिसी में, आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसके साथ साथ की और बताता हूँ, यहाँ पर आप जब भी धन संचय करेंगे किसी गवर्नमेंट बैंक में अगर धन संचय करते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखें, सिग्नेचर इत्यादि करते समय थोड़ा सा ध्यान रख करके करेंगे तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि सिग्नेचर तो आज कर दिए, अब पॉलिसी होगी 6 साल में 7 साल 10 साल में, ये जितने भी समय की आपने पॉलिसी ली है उस समय तक आप सिग्नेचर ही भूल जाएं कि किस तरह से खरीद किए थे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें। इस समय में आपके पास धन होना, धन का संचय होना,
इस समय में अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, कोई पार्टी इत्यादि करने का भी अवसर प्राप्त हो, नेम फेम बना रहेगा, लाभदायी स्थिति है। इसके बाद 29-30 मई का समय, यह समय थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका कुछ धन आपके स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके किसी रिलेटिव के लिए, आपके किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ के लिए, मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। ये दिन एक्सपेंसिव रहने वाला है, आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च होना ही है। हो सकता है आपका धन आपके स्पाउस के लिए खर्च हो, आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए खर्च हो, कुछ ना कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे कि आपका धन खर्ची हो। तो एक बजट बना लें पहले। आपको पता चल चुका है कि इस डेट में आपका धन एक्सपेंस होने वाला है, तो एक बजट बना करके चले। अगर कोई उधारी भी मांगता है तो उस बजट के हिसाब से ही आपको देना है, ऊपर नहीं जाना है, तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस दिन आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप दान पुण्य इस समय में करेंगे तो इस समय में किया हुआ दान पुण्य का आपको अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 31 मई और 1-2 जून का समय, तो ये 1-2 जून का जो समय रहेगा ये समय आपको काफ़ी खुशी देने वाला रहेगा। आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और मन आपका शांत रहेगा। थोड़ा सा उथल पुथल होगा परंतु मन शांत रहेगा। चीज़ें इस समय में आपके फेवर में आती हुई दिखाई देगी। आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में, इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन का आवागमन होना परंतु धन अटकना यहाँ पर देखा जा सकता है। मतलब धन आया तो बैंक तक नहीं आया, अभी सिर्फ मैसेज आया कि धन आपका आ गया है। इसके साथ साथ हो सकता है कोई चेक आपका आया परंतु कैश आपके हाथ में अभी नहीं आया, ऐसी स्थिति यहाँ बनती दिखाई देती है। इस समय में आप अपनी खुशियों के लिए कुछ चीज़ें परचेज करेंगे यहाँ पर दिखाई देता है। कुल मिलाकर के आप मेंटली पीस का अनुभव भी करेंगे, थोड़े समय के लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद 3-4 जून का समय, तो 3-4-5-6 जून का समय आपके लिए फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास धन होना, कैश, लिक्विड कैश जिसे कहते हैं, उसका आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख होना, अच्छे भोजन का सुख होना, अच्छी वाणी का सुख होना, ये सब चीज़ों का सुख आप देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप सिंगिंग या म्यूजिक लाइन में हैं तो इस समय में इन क्षेत्रों के अंदर आपको प्रयास करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 5-6 जून का समय, देखिए ये जो समय, हाँ ये तो हो गया। इसके बाद हाँ, इस समय में आपको मार्केटिंग इत्यादि का अगर कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से भी धन प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि घर पर धन आएगा, मार्केट में जाना, वहाँ पर ऑर्डर और चेक या किसी प्रकार से धन प्राप्त हो, नए क्लाइंट कस्टमर आप ढूंढ पाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी धन प्राप्त हो सकता है, सिब्लिंग्स के माध्यम से भी हो सकता है, पड़ोसियों के माध्यम से भी हो सकता है। इन सब चीज़ों में आपको जाना, सब लोगों से मिलना, धन लाभ दिव्य में आपको मिलना, सब चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। नौकर चाकर इस समय में आपको भरपूर आनंद प्रदान कराएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 7-8 जून का समय, देखिए 7-8 जून का जो समय रहेगा ये लव रिलेशन, 7-8 और 9 जून का समय, ये समय लव रिलेशन इत्यादि बनाने के लिए उत्तम रहने वाला है। जो लव करते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय का प्रयोग करना लाभदायी रहेगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ ये समय अपने घर परिवार व्हीकल का आनंद प्रदान करने वाला होगा। अगर आपके पास पेट्स इत्यादि है तो पेट्स के माध्यम से भी आप आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी, उन्हें अगर पिछले समय में कोई डिजीज़ थी तो इस समय में वो डिजीज़ ठीक होती दिखाई देगी, लाभदायी रहेगा। इस समय में रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। 9-10 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय स्टूडेंट के लिए विशेष तौर से उत्तम रहने वाला है। इस दिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रयास करके अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, एजुकेशन में उनका बल लगेगा। इसके साथ साथ इस दिन जो भी एजुकेशन लेंगे, थोड़ा सा भी अगर याद कर लेंगे तो वो लंबे समय तक उनका याद रहेगा, मेमोरी शार्प हो जाएगी। इसके साथ साथ ये समय क्रिएशन आदि से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं या टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए उत्तम रहेगा। ये समय संतान कंसीव कराने के लिए तो उत्तम रहेगा परंतु इस समय में आपको अपने बर्थ चार्ट को, देखिए कुछ परेशानी का सामना करके संतान तो कंसीव हो जाएगी ये पता चलता है, इस समय में अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक एनालिसिस कराएं और एनालिसिस करा करके कुछ उपाय इत्यादि करके कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन वगैरह लेकर आप एक अच्छी संतान को कंसीव करा पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय
इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी संतान की साइकिलिंग इत्यादि करती है तो उसके साथ रहना चाहिए, भागदौड़ करती है थोड़ा सा पास में रहे, नज़र बनाए रखिए ताकि उन्हें किसी प्रकार से कोई चोट इत्यादि ना लगे। वैसे इस समय में आपको आपकी संतान के माध्यम से नेम फेम और धननाम मिलना दिखाई देता है। इसके बाद 11, 12 जून का समय, ये समय थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय में आपकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रह सकती है। आपका अगर कोई एनिमी है वो आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, उससे बचकर रहा जाए, उसके ऊपर नज़र रखी जाए। इस समय में आपसे कोई लोन अगर मांगता है तो कोशिश करें उसे एक बजट बनाकर आप रखें, उस बजट में से आप दे दें। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो फिर नो बोलना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में दिया हुआ लोन काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। अगर आप देंगे तो काफ़ी समय में वापस आएगा। आप लेना चाहते हैं तो आपका तो आसानी से छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है लोन की तो इस समय में आप धन ले सकते हैं, लेना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 13-14 जून का समय, ये समय आपको अगेन नए रिश्ते इस समय में मिलना, कुछ नए रिश्ते आना, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए रिश्ते आना, अच्छे रिश्ते आना यहाँ पर दिखाई देता है, या रिंग सेरेमनी या जिसे रस्म कहते हैं कोई रस्म इस समय में करना लाभदायी रहेगा। विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। अब 30 अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर 2023 के बाद विवाह करना, करने के लिए डेट आ जाएगी। अभी तो सिर्फ ये आपको रिंग सेरेमनी करना है या रोका जिसे करते हैं कहते हैं वो रोका वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, परंतु अभी एट ए टाइम विवाह करना लाभदायी नहीं रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह भी डिबिलिटेटेड है। तो इस समय में तो रुकना चाहिए, बस रोका करें, बातचीत पक्की करें, 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप विवाह कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, इस डेट में मीटिंग करें, लाभदायी रहेगी, आपकी मीटिंग सार्थक होगी, ऐसा यहाँ पता चलता है। व्यापार व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा इस दिन में। आपके जॉब के अंदर जो कलीग्स हैं इस समय में आपको हेल्प प्रदान कर पाएंगे। तो ये था तुला लग्न के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।